पेज ठंडा क्यों है? दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाई हाइम फिल्म्स। सबसे पहले आपको यह जानने की जरूरत है कि स्पेस ठंडा नहीं है, क्योंकि इसका टेम्परेचर ही नहीं है। टेक्निकली टेम्परेचर मेजर करता है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए स्पेस में चीजें जैसे कि प्लैनेट, स्टार्स, डस्ट क्लाउड्स, स्पेसशिप्स और एस्ट्रोनॉट के पास टेम्परेचर होता है, क्योंकि वे सभी एटम्स और मॉलिक्यूल से बने होते हैं। लेकिन यहाँ तक कि एम्प्टी स्पेस में एटम्स होते हैं, हालांकि ज्यादा नहीं। स्टार्स और प्लैनेट से दूर डीप स्पेस थीन गैस से भरा होता है, जो स्पेस में 1 एटम पर स्पूनफुल होता है। इसके अपोजिट पृथ्वी पर 1 स्पूनफुल हवा में 100 अरब से अधिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। बिल ने कहते हैं कि बहुत पतली गैस का टेम्परेचर 3 केल्विन के आसपास होता है। हालांकि साइंटिस्ट केल्विन को प्लूरलाइज या कैपिटलाइज नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट जीरो से 3 डिग्री ऊपर। एब्सोल्यूट जीरो सबसे ठंडा टेम्परेचर है, जिस पर मॉलिक्यूल्स और एटम्स का मूवमेंट पूरी तरह से बंद हो जाता है। गैलेक्सी का हमारा छोटा कोना। अब इस सवाल का आसान सा जवाब है कि अंतरिक्ष का आकार अकल्पनीय रूप से बड़ा है। 2 तारों के बीच इतनी दूरी होती है कि उनकी गर्मी एक दूसरे तक पहुंचने के पहले बीच में ही एब्सोल्यूट जीरो हो जाती है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर बैठा हमारा सूरज हर सेकंड 1 ट्रिलियन मेगाटन बम्ब के बराबर ऊर्जा पंप करता है। इस ब्रह्मांड की सबसे तेज गति से चलने वाली चीज लाइट की रफ्तार 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। उसे भी हमारे धरती तक पहुंचने में 8 मिनट लग जाते हैं। यदि आप हमारे प्लैनेट तक पहुंचने के लिए सबसे करीबी सितारे से लाइट का वेट करना चाहते हैं, तो आपको लगभग 4.5 साल तक वेट करना होगा। पृथ्वी के 12 लाइट ईयर्स के भीतर सिर्फ 25 तारे। और लाइट ईयर्स के आइडिया को समझने के लिए जान लें कि 1 लाइट ईयर लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। इसलिए सूर्य पृथ्वी से केवल 0.000016 लाइट ईयर्स दूर है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है, तो यह समझें कि मिल्की वे गैलेक्सी का हमारा एक छोटा सा कोना भी इतना विशाल है, जिसमें किसी भी डायरेक्शन में 110 ट्रिलियन किलोमीटर के अंदर सिर्फ 25 तारे। मिल्की वे गैलेक्सी 1,00,000 लाइट ईयर डायमीटर का है और इसमें 100 अरब से अधिक तारे हैं। मिल्की वे और हमारे नियर बाई गैलेक्टिक एंड्रोमीडा गैलेक्सी के बीच का डिस्टेंस 25,00,000 लाइट ईयर्स है। सभी गैलेक्सीज और स्टार्स के साथ खाली अंतरिक्ष को भरने में ऐसा लगता है जैसे अंतरिक्ष एक सौना होना चाहिए, खास करके क्योंकि हमारा विशाल काय सूरज भी बाकी तारों की अपेक्षा एक छोटा सा बौना ही है। कुछ तारों का मास हमारे सूर्य से 60 गुना अधिक है और सतह का तापमान लगभग 45,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। हालांकि फैक्ट यह है कि ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स में सबसे आम टेम्परेचर 2.7 केल्विन है, लगभग 450 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। सबसे ठंडा प्रिंसिपल टेम्परेचर 0 केल्विन है। यह समझना जरूरी है कि अंतरिक्ष अपने आप में ठंडा नहीं है, लेकिन उसी तरह से जैसे हम इसे समझते हैं, स्पेस बस खाली है। रेडिएशन वर्सेस डिस्टेंस। एक परफेक्ट वैक्यूम में कोई टेम्परेचर नहीं होता है, क्योंकि गर्मी के लिए उसमें मॉलिक्यूल्स ही नहीं होते हैं। हालांकि गर्मी को रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर किया जा सकता है। जब सूर्य से रेडिएशन अंतरिक्ष में बाहर निकलते हैं, तो उस रेडिएशन की इंटेंसिटी लगभग 34 मिलियन वॉट पर स्क्वायर किलोमीटर के बराबर होती है। जब तक यह ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है, तब तक इसकी तीव्रता 1370 वॉट पर स्क्वायर मीटर ही रह जाती है। मैं आपके लिए कैलकुलेट करूंगा और आपको बताऊंगा कि हमारे प्लैनेट पर पहुंचने तक सूर्य की किरणों की इंटेंसिटी 47,000 गुना कमजोर कैसे है। रेडिएशन एनर्जी में रिडक्शन 0.000016 लाइट ईयर्स की डिस्टेंस पर होती है। एग्जाम्पल के लिए प्लूटो सूर्य से लगभग 5.87 बिलियन किलोमीटर दूर है,
और उस प्लैनेट के सरफेस का तापमान जो हमारे सूर्य से शायद कोई रेडिएशन प्राप्त करता है एब्सोल्यूट जीरो से सिर्फ 33 डिग्री अधिक है। सूर्य का लगभग सभी रेडिएशन उस समय तक चला जाता है जब तक यह हमारे गैलेक्सी को छोड़ देता है। हमारी गैलेक्सी में स्टार्स के बीच के जगह में रेडिएशन एनर्जी और भी अधिक कम हो जाती है जिससे इंटरस्टेलर गैसेस का एवरेज टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो से लगभग 10 डिग्री ही ऊपर होता है। स्पेस में सबसे कम टेम्परेचर का फिगर 2.7 केल्विन है। गैलेक्सी और यूनिवर्स के बीच विशालकाय खाली जगह है। बिग बैंग से बचे हुए रेडिएशन जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहा जाता है इसका टेम्परेचर 2.7 केल्विन है जो अंतरिक्ष के तापमान को एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर रखता है। जैसा कि इस वीडियो में दिखाया है स्पेस ठंडा या गर्म नहीं है, यह किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करने के लिए रेडिएशन के लिए भी बहुत बड़ा है। यदि आप एक ब्लेजिंग स्टार पर कम ऊंचाई में परिक्रमा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सन टैन हो जाएगा और आप एक भुंजा जाने वाली छुट्टी मनाएंगे। अंतरिक्ष में गैस ठंडा क्यों है? यदि आप अंतरिक्ष में सूर्य और अगले सबसे करीबी तारे प्रोक्सिमा सेंचौरी के बीच हैं, तो आप लगभग दोनों तारों से 2.1 लाइट ईयर्स दूर होंगे। 2.1 लाइट ईयर्स दूर किसी स्टार से आपको कितनी गर्मी मिलती है? बहुत ज्यादा नहीं। चलो थोड़ा गणित लगाते हैं। सूरज का हीट आउटपुट 3.8 × 10^26 वॉट है। यह लगभग 3.8 × 10^23 एक किलोवाट के इलेक्ट्रिक हीटर का यूज करने के बराबर है। तो हाँ सूर्य गर्म है, लेकिन अगर आप इससे 2.1 लाइट ईयर्स दूर हैं, तो यह सब गर्मी 2.1 लाइट ईयर्स या 2 × 10^16 मीटर्स के रेडियस में फैल जाती है। इससे पहले कि आप तक पहुंचे उस स्फीयर का सरफेस एरिया 5 × 10^33 स्क्वायर मीटर्स है। आपके शरीर का सरफेस एरिया कम से कम सूर्य के साइड वाला पार्ट लगभग 1 स्क्वायर मीटर है। तो आप सूर्य के गर्मी के 10^33 हिस्से को प्राप्त करते हैं या 0.00000076 वॉट्स है, लगभग 1 किलोवाट हीटर की हीट के लगभग 13 अरब हिस्से के रूप में है। लेकिन सूर्य के पास स्पेस ठंडा क्यों है? जब से यही तो सवाल है ना। यदि आप सूर्य से लाइट ईयर्स नहीं बल्कि मात्र 15 करोड़ किलोमीटर दूर हैं, जो हमारी और सूर्य के बीच की दूरी है, तो सूरज की गर्मी काफी अधिक कॉन्सेंट्रेटेड है, 1368 वॉट्स पर स्क्वायर मीटर। दूसरे शब्दों में यदि आप सीधे सूर्य के किरणों में अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर तैरते हैं, तो आपके पास एक पूरी इलेक्ट्रिक हीटर है जो इसकी सारी गर्मी को सीधे आपके बॉडी पर फोकस करती है। तो हाँ अगर आप सूर्य के पास डायरेक्ट सनलाइट में हैं, तो आप ठंडे नहीं होंगे। यही कारण है कि हमारे पास स्पेस सूट हैं। वैक्यूम से बचाने के अलावा वे आपको फ्राई होने से भी बचाते हैं। पृथ्वी की ऑर्बिट में डायरेक्ट सनलाइट से ऑब्जेक्ट्स लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाते हैं, और फिर भी एक पैराडॉक्स है कि आपको ठंड की जकड़न से बचाने के लिए भी स्पेस सूट्स की जरूरत है। अर्थ की ऑर्बिट में भी अंतरिक्ष बहुत ठंडा हो सकता है। ऐसा कैसे? पृथ्वी पर यदि आप धूप से छांव में जाते हैं तो अचानक से जम नहीं जाते। उसका कारण यह है कि आपके आसपास हवा में बहुत सारी गर्मी अभी भी जमा है। अंतरिक्ष में अगर आप सनलाइट से बाहर निकलते हैं और स्पेस स्टेशन के चारों ओर घूमते हैं, तो वहां कोई एयर नहीं है और कोई हीट नहीं है। पृथ्वी पर नीचे यदि आप एक भयंकर हवा या ठंडे समुद्र में हैं, तो आप बहुत तेजी से गर्मी लूज कर सकते हैं, क्योंकि हवा और पानी इसे आपके बॉडी से उठाकर दूर ले जाती है। स्पेस में हीट को दूर ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए आप इसे रेडिएशन द्वारा खो सकते हैं, लेकिन कंडक्शन द्वारा नहीं। दोस्तों अंतरिक्ष कितना रोचक लगता है ना, लेकिन हम इसको महसूस नहीं कर पाते। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बताने वाला हूँ जिसका डिस्क्रिप्शन आप लिंक में देख सकते हैं। वो कुछ बुक्स हैं और कुछ अन्य ऐसी चीजें हैं जिसको आप अपने घर में अगर लगाते हैं, पढ़ते हैं, तो आप अंतरिक्ष को और करीब से समझ पाएंगे, उसको थोड़ा सा महसूस कर पाएंगे। उसको देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन को देखें और उसके लिंक को फॉलो करें। दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें।